आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में आप बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हो, राइट फ्रॉम द सिक्स क्लास यू आर स्टडिंग अबाउट एरियाज, एंड देन सिक्स सेवेंथ में आपने एरियाज की बात करी, एट्थ ऑनवर्ड आप वॉल्यूम्स की बात कर रहे हो फॉर डिफरेंट सॉलिड्स। सबसे पहले मैं एक बहुत ही छोटी सी चीज पूछूंगी आपसे। एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट्स। आई मे यूज मीटर स्क्वायर, आई मे यूज किलोमीटर स्क्वायर, आई मे यूज सेंटीमीटर स्क्वायर, बट स्क्वायर यूनिट्स में हम लेते हैं। और वॉल्यूम को हम लेते हैं क्यूबिक यूनिट्स में। ऐसा क्यों? जब हम लेंथ को मेजर करते हैं तो हम लीनियर यूनिट्स लेते हैं, मतलब मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर इस तरीके से चलते हैं। एरिया को स्क्वायर यूनिट्स में, वॉल्यूम को क्यूबिक यूनिट्स में। व्हाई डू आई मेजर एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स एंड वॉल्यूम्स इन क्यूबिक यूनिट्स? एनीबडी हु वांट्स टू एक्सप्लेन इट? यस प्लीज। 10th A, 10th B, एनीवन? बच्चों थोड़ा सा आंसर करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, इंटरेक्शन होगी तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स बेटर। तो जिसको भी आइडिया हाथ खड़ा कर दो कि हम एरियाज को स्क्वायर यूनिट में और वॉल्यूम्स को क्यूबिक यूनिट्स में क्यों मेजर करते हैं? एनीवन? यस प्लीज मैम, आप प्लीज किसी को खड़ा करना चाहते हैं तो किसी को बोल दीजिए प्लीज, वो आके एक्सप्लेन कर दे। एरिया टू डायमेंशनल है और वॉल्यूम थ्री डायमेंशनल है। बच्चे इसका मतलब अगर मैं इस क्यूब का एरिया निकालूं तो फिर क्यूबिक यूनिट में होना चाहिए क्योंकि ये तो थ्री डायमेंशनल है। एम आई राइट? आप कह रहे हो कि एरिया टू डायमेंशनल है और वॉल्यूम थ्री डायमेंशनल। बात तो आपकी समझ में मुझे थोड़ी सी आती है, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर मैं ये क्यूब का या इस सिलेंडर का किसी का भी जब एरिया कैलकुलेट करूं तो मुझे क्यूबिक यूनिट यूज करने चाहिए क्योंकि तो थ्री डायमेंशनल है। बट आई आई एम यूजिंग एवरीवेयर एरियाज के लिए हम स्क्वायर यूनिट ही यूज करते हैं, क्यूबिक तो कहीं पर यूज करते नहीं है। बैठ जाइए बोथ ऑफ यू। हाँ जी, अब कोई और कुछ बताना चाहे? सी, वेन एवर यू कैलकुलेट द एरियाज, आप किसी भी फिगर का एरिया जब भी कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है? सपोज हम स्क्वायर का एरिया ले रहे हैं तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है? एल इंटू एल, साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल का एरिया लेंगे तो कैसे निकलता है? एल इंटू बी। आप ट्रायंगल का एरिया लेते हो, हाफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ऐसे ही करते हैं हम सब कुछ। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम दो लेंथ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एरिया निकालने के लिए हम दो लेंथ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब हम दो लेंथ यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये मीटर है ये मीटर है तो ये अल्टीमेटली मीटर स्क्वायर में चले जाएगा। ठीक है जी, तो ये किस में जाएगा? मीटर स्क्वायर में चले जाएगा। अब अगर मैं वॉल्यूम निकालती हूं किसी भी चीज का, सपोज क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल रही हूं, तो मैं करती हूँ एल इंटू बी इंटू एच। मतलब अगर ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्यूबिक यूनिट्स आ गए। दैट्स वाई वॉल्यूम्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स एंड एरियाज आर मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। चाहे मैं टू डायमेंशनल का एरिया निकालूं, चाहे मैं थ्री डायमेंशनल का एरिया निकालूं, एरियाज हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिए जाएंगे और वॉल्यूम्स हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में लिए जाएंगे। नाउ वन मोर थिंग बिफोर आई गो फर्दर, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट 1 मीटर स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। बिफोर दैट 1 मीटर इनटू सेंटीमीटर एंड 1 मीटर क्यूब इनटू सेंटीमीटर क्यूब। बताइए जी क्या क्या मेरे पास आंसर होगा?
1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में ले जाना है. व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर? इज इट अगेन 100 और समथिंग एल्स? हाँ जी बच्चों, कन्वर्जन यूनिट 100 और इट विल बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम 100. हाँ 100 ओनली. बच्चों अभी अभी हमने कहा मीटर स्क्वायर का मतलब होता है मीटर इनटू मीटर. तो जब मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है सो बोथ मीटर्स टर्म आर टू बी कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर. सो 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाओगे कन्वर्जन फैक्टर 100 का लगेगा, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके जाओगे तो कन्वर्जन फैक्टर होगा 10^4 का. कैन यू टेल मी इफ आई वांट टू कन्वर्ट 1 मीटर क्यूब इनटू सेंटीमीटर क्यूब हाउ एम आई गोइंग टू डू इट? इट विल बी 10^6, क्योंकि 100 इंटू 100 इंटू 100 आई हैव टू डू. सो कन्वर्जन फैक्टर इज 10^6 सेंटीमीटर क्यूब. अब एक बात बताओ, जब हम नॉर्मल लाइफ में वॉल्यूम्स को मेजर कर रहे हैं, जैसे कि हम कोक की बोतल लेने चले जाएं या हम दूध लेने चले जाएं, तो क्या हम सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या ये सब कुछ यूज करते हैं, या हम डेली लाइफ में कुछ और यूनिट यूज कर रहे हैं वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए? हाँ जी बच्चों बोलिए. जब आप कोक की बोतल लेने जाते हो तो क्या कहते हो? एक तो हम कहें छोटी बोतल दे दो, बड़ी बोतल दे दो, लेकिन अगर मैं मेजरमेंट की टर्म में पूछूं तो कैसे कहते हैं हम? क्या हम कहते हैं कि इतने सेंटीमीटर क्यूब की बोतल दे दो? क्या कहते हैं? मीटर. इसका मतलब हम नॉर्मल लाइफ में जो यूनिट यूज कर रहे हैं वो लीटर यूज कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो मुझे रिलेशन मालूम होना चाहिए कि मीटर क्यूब में और लीटर में क्या रिलेशन है. कैन यू टेल मी 1 मीटर क्यूब इज हाउ मेनी लीटर्स? वन मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स. 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स. मतलब मैं 1000 1 ml की कोक की बॉटल्स को एक जगह इकट्ठा कर दूं तो वो वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब बनने वाली है. चलिए जब इसकी बात चली ही है तो बच्चों एक बात और बताओ मुझे. अगर मैं आपको बोलूं 1 मीटर लेंथ, कैन यू इमेजिन हाउ मच इज 1 मीटर लेंथ गोइंग टू बी? कुछ इमेजिनेशन में आता है तुम्हारे? 1 मीटर लेंथ, इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, कुछ तो माइंड में आता होगा. इमेजिन कर सकते हो 1 मीटर? सपोज इतना डिस्टेंस है, समवट इतना इतना या इतना डिस्टेंस है 1 मीटर, राइट? अब अगर मैं आपको बोलूं 1 मीटर स्क्वायर एरिया, व्हाट कम्स टू योर माइंड? इफ आई टॉक अबाउट 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, हाउ आर यू गोइंग टू इमेजिन इट? और 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, व्हाट योर इमेजिनेशन सेज? एक तो अभी अभी मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि अगर एक 1000 बॉटल्स ऑफ कोक एक जगह अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 1 मीटर क्यूब. बट मैथमेटिकली अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर या 1 मीटर क्यूब की बात करूं तो क्या है 1 मीटर स्क्वायर? इफ आई टेक अ स्क्वायर हुज लेंथ एंड ब्रेथ, स्क्वायर है तो ऑब्वियसली साइड लेंथ तो इक्वली होंगी, ये 1 मीटर हो, ये भी 1 मीटर है, सो दिस होल थिंग दिस मच, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया. द पार्ट ऑफ द प्लेन XY प्लेन ऑक्यूपाइड बाय अ स्क्वायर हुज लेंथ इज 1 यूनिट एंड ब्रेथ इज 1 यूनिट, दैट मच ऑफ एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर. सो इफ आई से 10 मीटर स्क्वायर, मतलब मैं ऐसे 10 स्क्वायर्स को ज्वाइन करके रख दूं तो जो जगह वो घेरेंगे, जो जगह वो ऑक्यूपाई करेंगे वो 10 मीटर स्क्वायर. मेरी बात कुछ समझ में आ रही है बच्चों? हाँ जी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग?
ये सुनो। ओके इसी तरह से अगर हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्या होगी वो? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर। जैसे ये मेरे पास क्यूब है, अगर ऐसा ही एक क्यूब मैं ले लूं जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है या डेप्थ भी 1 मीटर है, उतना बड़ा जो कंटेनर होगा उसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी 1 मीटर क्यूब। आप लोग अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखते हो, आप लोगों के घरों के ऊपर छत पे पानी की टंकी लगी रहती है ना? तो घर में कभी बात होती होगी तो सुना होगा 1000 लीटर की टंकी है या 2000 लीटर की टंकी है या 5000 लीटर की टंकी रखी है जी हमारे घर के ऊपर, या दो टंकियां रखी हैं, 1000 लीटर की एक 500 लीटर की है। तब समझ में आती है क्या बात कर रहे हैं हम? ओके लीटर को क्यों हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं? क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज अ वेरी बिग यूनिट। उतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज के साथ हम डेली लाइफ में डील ही नहीं कर रहे हैं। डेली लाइफ में हम छोटी छोटी क्वांटिटीज के साथ डील कर रहे हैं, इसीलिए हम लीटर में बात कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब और एनीथिंग एल्स। ये तो हमने बात की कुछ बेसिक्स की रिगार्डिंग यूनिट्स एंड द फिजिकल लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब। नाउ वी कम टू द सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। व्हेन आई टॉक अबाउट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में हम दो तरह की सरफेस एरियाज की बात करते हैं, एक कम सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया फॉर डिफरेंट सॉलिड्स। सपोज ये मेरे पास है सिलेंडर, हाउ मेनी सर्फेसिज डज इट हैज? हाउ मेनी फ्लैट सर्फेसिज एंड हाउ मेनी कर्व सर्फेसिज? इस सिलेंडर में जो कि क्लोज एट बोथ एंड्स है, कितने फ्लैट सर्फेसिज हैं दो और कर्व्ड? वन सो व्हेन आई टॉक अबाउट टोटल सरफेस एरिया, आई विल इंक्लूड बोथ फ्लैट सर्फेसेज एज वेल एज दिस कर्व सर्फेस। बट वेन आई टॉक अबाउट कर्व सर्फेस एरिया, आई विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली दिस पार्ट, नॉट दिस, नॉट दिस, राइट? अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलती हूं कि आपको एक पेन स्टैंड बनाना है सिलेंड्रिकल शेप का, पेन स्टैंड सबके घर में होंगे, आप उसमें पेन डाल के रखते हैं या वट एवर, आपको एक सिलेंड्रिकल शेप का पेन स्टैंड बनाना है, तो कौन से सरफेस आप इंक्लूड करने वाले हो? विल इट बी टोटल सरफेस एरिया, विल इट बी कर्व्ड सरफेस एरिया और विल इट बी समथिंग एल्स? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर मैं सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ले लूं तो बेचारा इधर से भी खुला इधर से भी खुला, पेन रखूंगी कैसे? तो हाँ, तो मुझे क्या करना है अब इस केस में? मुझे एक तो ये वाला सरफेस चाहिए और एक बॉटम चाहिए। टॉप मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड द टॉप, क्योंकि यहां से मुझे डालना है, आई हैव टू कीप इट ओपन फ्रॉम टॉप। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक कोनिकल टेंट बनाना है, ये ऑल्दो इसका ऊपर का बेचारे का थोड़ी सी, दिस इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन एक्चुअली, बट लेट अस इमेजिन कि इसके ऊपर पूरा प्रॉपर ये कोन है। मैं एक कोनिकल टेंट बनाना चाहती हूँ एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ मच क्लॉथ और कैनवस विल बी रिक्वायर्ड, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कर्व सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया और समथिंग एल्स? अच्छा क्योंकि मेरा जो क्लॉथ यूज होगा वो ये पार्ट को क्रिएट करने के लिए यूज हो रहा है, ये नीचे वाले पार्ट के लिए कपड़े की जरूरत नहीं है मुझे। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली दी कर्व सर्फेस एरिया। अब अगर मेरे पास ये एक क्यूबॉइडल रूम है, रूम्स हमारे जनरली क्यूबॉइडल ही रहते हैं, आई वॉन्ट टू पेंट इट्स वॉल्स ओनली, वॉट विल आई कैलकुलेट अबाउट इट? बहुत नाउ इफ आई वॉन्ट टू पेंट द वॉल्स एज वेल एज द रूफ, सारे कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप, आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर द बॉटम, आई विल गो फॉर ओनली द टॉप पार्ट। अब आपके पास ये सब चीजें आपने 9th तक करी हैं, अब आपके पास 10th में जो चीजें हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। व्हेन आई टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, मतलब मैं एज एन इंडिविजुअल नहीं कंसिडर कर रही हूं, मेरे को क्या कह दिया गया? सिलेंडर के ऊपर कौन रख दिया?
अब इस पूरे फिगर का सरफेस एरिया बताओ या तो फिर वॉल्यूम बताओ। अब जब मैं इसके पूरे सरफेस एरिया की बात करूं तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगी? सब सरफेस एरिया, सपोज ये मेरे पास है हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के ऊपर मैंने कौन रख दिया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, हेमीस्फेरिकल बाउल माउंटेड बाय अ कोन। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल करके ऐड करना है टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम हेमीस्फीयर की वॉल्यूम कोन की, ऐड द टू, गेट योर आंसर, राइट। अब थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि एक मेरे पास हेमीस्फीयर है और एक मेरे पास स्फीयर है। हेमीस्फीयर, पहले हम स्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर में क्या कोई फ्लैट सरफेस है? नो, दैट्स व्हाई जब हम स्फीयर की बात करते हैं तो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम लेके चलते हैं। क्या फॉर्मूला है बताएंगे? टोटल सरफेस एरिया इज सेम एज कर्व्ड सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर इन केस ऑफ अ स्फीयर। बट इफ आई टॉक अबाउट अ हेमी स्फीयर, नाउ हाउ मेनी कर्व्ड सरफेस एरियाज एंड हाउ मेनी फ्लैट सरफेसेस आर देयर? वन फ्लैट एंड वन कर्व्ड। सो विल देयर बी एनी डिफरेंस बिटवीन इट्स टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया? Yes. चलिए जी, तो फिर आप पहले मुझे बताएंगे हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल 4 पाई आर स्क्वायर। ये कंप्लीट स्फीयर था तो इसका सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैंने इसको बीच में से काट के दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये मेरा हेमीस्फीयर। सो इसका सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई आर स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट द टोटल सरफेस एरिया? ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर, उसके साथ ये फ्लैट सरफेस। ये फ्लैट सरफेस इज नथिंग बट अ सर्कल हुज रेडियस इज आर, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, सो अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी 3 पाई आर। अब आपके पास ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि मेरे पास एक क्यूब है या क्यूबॉइड है, उसके ऊपर मैंने ये स्फीयर रख दिया। कैन यू सी नाउ, कैन यू इमेजिन इट? बुक्स में आपके पास फिगर बने हैं, लेकिन जब आप 3D में चीज को देखते हैं तो बेटर आपको इमेजिनेशन आ जाती है। एक क्यूब है या क्यूबॉइड है, उसके ऊपर मैंने ये स्फीयर रख दिया है। अब अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालने को बोलूं, कोई भी एक जना माइक के पास आएगा, चाहे ए सेक्शन से चाहे बी सेक्शन से, मैम प्लीज हेल्प, किसी को भी आप भेजिएगा, वो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिगर को देख के ये बताएगा कि अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना रहेगा। चलिए आ जाइए बेटा, कौन आएगा? वैसे तो खुद ही आ जाना चाहिए, मैम को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ जी, इधर से आ रहे हैं। हाँ जी आ जाओ बेटा। एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस बेस माइनस बेस एरिया माइनस स्पेस बेस एरिया एरिया, ठीक है जी। चलिए अब हमें यहां पर क्या करना है, जब मैं आप इसके सरफेस की थोड़ा सा इमेजिन करो, जब भी आप इमेजिनेशन से काम लेंगे, अभी आगे आप चल करके अगर मैथ्स पढ़ेंगे, आप 2D 3D की बात करेंगे, तो इमेजिनेशन शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। देखो अब इसके सरफेस एरियाज की बात कर रही हूं, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों सरफेसेस तो इंटैक्ट है, इनमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो ये पांचों का एरिया तो टोटल का टोटल आएगा ही आएगा। लेकिन टॉप वाले में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें तो ये पूरे का पूरा एरिया खत्म नहीं हो रहा है। आई थिंक यू कैन व्यू कि आपको ये स्फीयर इस पे रखने के बाद भी साइड से ये जो चीजें हैं, ये जो आपका ग्रीन पोर्शन है वो कुछ नजर आ रहा है, मतलब पूरे का पूरा सरफेस नहीं गायब हुआ मेरा, सिर्फ कितना एरिया गायब हुआ इसमें से, ये जो जितना हिस्सा इसने कवर किया सिर्फ उतना उतना हिस्सा गायब होगा, बाकी विल बी देयर ओनली। तो हम क्या करेंगे, ये 5 सरफेसेस को ऐड कर देंगे, उसके बाद जो ये आपका हेमी स्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे,
और उसमें से माइनस क्या करेंगे अब, या हम क्या करेंगे, ये छह के छह का सरफेस ले लें, छह के सरफेस में ये वाला सरफेस ऐड कर दें और जो इसके बॉटम वाला सरफेस जो इसने कवर कर लिया उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह की इमेजिनेशन यू हैव टू हैव। ऐसे इमेजिन करो कि मैं, ये मेरा ओपन नहीं है, अगर मैं इसमें एक हेमिस्फेरिकल कैविटी क्रिएट करना चाहती हूं, मतलब मैं अगर ये ओपन हो, मैं इसके अंदर ऐसे घुसा दूं इसको, कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग? Yes. तो क्या मेरे सरफेस एरिया की जैसे मैंने अभी कैलकुलेशन करी उसमें और इसमें कोई फर्क रहेगा क्या, सेम होगा? आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास ये एक आइसक्रीम की ब्रिक है, इस शेप में है, क्यूब की शेप में है, और आप एक स्कूप आइसक्रीम इसमें से निकाल दो। वो तो सबको इमेजिनेशन में होगा क्योंकि आप डेली लाइफ में यूज करते रहते हो। यू कैन सी, यू कैन वेल इमेजिन कि मैं इसमें से एक स्कूप, स्कूप क्या हेमिस्फेरिकल शेप में निकलेगा, तो एक नया सरफेस तो जनरेट हो गया। अब जो पहले मैंने ऐसे रखा था वो अब ऐसे आ गया, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ये Yes. ऐसे इसके अंदर चले जाएगा तो फिर से क्या Yes. हुआ, सेम चीज ही होगी मेरे पास, जो हमने प्रीवियस केस में किया वही इस केस में करना पड़ेगा मुझे, ठीक है जी? तो इस तरीके से जो भी आपको फिगर दिया है उसको थोड़ा आप इमेजिन करें और फिर उस इमेजिनेशन से आप आगे क्वेश्चंस को करेंगे। बिफोर प्रोसीडिंग टू द क्वेश्चंस, एक चीज सिर्फ मैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि जब हम कोण की बात करते हैं, ये मेरा कोण, इसमें हम बात कर रहे हैं रेडियस की, इसमें हम बात करते हैं स्लांट हाइट की, इसमें हम बात करते हैं स्ट्रेट हाइट की, और हम नाम लेते हैं राइट सर्कुलर कोन। व्हाई डू वी से टू बी राइट सर्कुलर कोन? क्योंकि मेरा बेस और जो ये है ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं। यहां पर अगर मैं कहूं कि मेरे कोन का वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज से 90 डिग्री, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्टिकल एंगल? आई नेम इट से ए बी सी। वर्टिकल एंगल का मतलब क्या है? विच एंगल फ्रॉम द फिगर कैन यू टेल मी, विच एंगल एम आई टॉकिंग अबाउट इफ आई एम सेइंग द वर्टिकल एंगल? एंगल एंगल बी ए सी, दिस इज योर वर्टिकल एंगल। इफ आई से सेमी वर्टिकल एंगल, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द कोन एंड दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कोन। एंड दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड जेनरेटर ऑफ द कोन। और आप सबको मालूम है कि अगर मेरे को एल आर और एच में रिलेशन देखना है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई, हाइपोटन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ माय क्वेश्चन इज, सपोज मुझे आर दिया है और मुझे ये एंगल पता है। आई नो ओनली टू थिंग्स, वन इज आर, अनदर वन इज दिस एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल। विल इट बी पॉसिबल फॉर मी टू कैलकुलेट एच और एल? आई रिपीट माई क्वेश्चन, एक तो एल आर एच का ये रिलेशन मेरे पास पड़ा है, इनमें से दो चीजें कोई भी पता होंगी, तो तीसरी मैं इस रिलेशन को पाइथागोरस थ्योरम से जो हमने निकाला उसको यूज करके मैं वो तीसरी चीज कैलकुलेट कर सकती हूँ। परफेक्ट। अब मैं क्या कह रही हूं कि मुझे इन तीनों में से कोई भी एक डायमेंशन पता है और ये एंगल पता है, तो क्या बाकी की दो बची हुई डायमेंशन मैं निकाल सकती हूँ? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है मेरे पास?
एंगल्स के साथ आपने अभी तक किसी चैप्टर में डील किया? कोई पढ़ा ऐसा चैप्टर जहां एंगल्स के साथ और साइड्स के साथ आप खेलते हो? एग्जैक्टली, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या किया था? हमने एंगल्स को ट्रायंगल की साइड्स के साथ रिलेट करके काम किया। साइन थीटा में हम कौन सी साइड्स को रिलेट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। कॉस में किस किस को रिलेट करते हैं? बेस एंड हाइपोटेन्यूज। टैन में वो रिलेट परपेंडिकुलर एंड बेस। तो बच्चों, क्या हम इस सिचुएशन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं? सो हो सकता है कभी आपको क्वेश्चंस के अंदर इस चीज को यूटिलाइज करना पड़ जाए। दिस इज योर इंटर रिलेशन बिटवीन द चैप्टर्स, इंटर लिंकेज बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। मेंसुरेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को कैसे यूटिलाइज किया जाए, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल होकर के हमें यूज करनी पड़ती हैं, राइट? तो अब हम क्या करें, अगर मुझे आर दिया है और मुझे सपोज एल निकालना है, तो विथ रेशियो एम आई गोइंग टू यूज? शाबाश, ये एंगल पता है, आर की वैल्यू पता है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द स्लांट हाइट, विच रेशियो शुड आई यूज? आर अपॉन एल, कौन सी रेशियो बनेगी? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, देन आर बाय एल इज विच रेशियो? कोस। कॉस। बच्चों जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस एंगल की बात कर रही हूं तो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग, इसको लेटर से डी कह दूं, ये डीसी बेस है क्या? एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको क्या लिया जाता है? परपेंडिकुलर की बेस। देखो मैं क्या कह रही हूं, ये मेरे पास अगर एंगल है, ये ए बी और सी, ए एंगल के करस्पॉन्डिंग बी सी क्या है? इज इट परपेंडिकुलर और बेस? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मैं सी के करस्पॉन्डिंग बात करूं, तो अब ये बी सी क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। तो अब अगर हम वापस चलें अपने फिगर पर, तो ये एंगल के करस्पॉन्डिंग ये डीसी क्या है बच्चों? इज इट बेस और परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर आर अपॉन एल कौन सी रेशो देगा बच्चों मुझे? दिस विल गिव मी साइन 45। एंगल 45, सो साइन 45। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45? सो आर बिकम्स एल अपॉन अंडर रूट 2, और इफ आई वॉन्ट टू गेट एल, देन एल इज आर अपॉन 1/√2। एल निकालना है आर अपॉन साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, तो यहां से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2 आर। सो अगर आपको एक रेशियो, एक डायमेंशन आर, एक थीटा दिया है, या एल और थीटा दिया, या एच और थीटा दिया है, तो बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री आप बाकी की चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है जी? चलिए जी, अब थोड़ा सा हम चलते हैं असाइनमेंट के ऊपर। असाइनमेंट में मैं सिर्फ जो बात डिस्कस करना चाहती हूं, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे असर्शन रीजन। ये असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसी इस बार से ही आपके आने शुरू हुए हैं। बिफोर दैट ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे, तो हम पहले थोड़ा सा इनको देखते हैं कि हमें किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। यहां पर आपको पहले इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं चार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनको समझना। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 हमें दे रखे हैं क्वेश्चंस के अंदर। अब ऑप्शंस कैसे हैं हमारे पास? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। अगर ये चीज हमारी
हो रही है ट्रू, ये बात हमारे को जस्टिफाई हो रही है, तो मेरी ऑप्शन ये बन जाएगी। सेकंड में कह रहा है स्टेटमेंट वन ट्रू है, टू ट्रू है, लेकिन दो पहले को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो आंसर होगा बी। स्टेटमेंट वन ट्रू है, टू फॉल्स है, तो आंसर सी। स्टेटमेंट वन फॉल्स और स्टेटमेंट टू ट्रू, तो आंसर डी। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए मुझे सबसे पहली चीज जो चाहिए, मैं अपनी स्टेटमेंट्स को पढ़ूं, और स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद सबसे पहले ये डिसाइड करूं कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या तो फिर फॉल्स हैं। मेरा सबसे पहला काम यही है, राइट? तो पहला असर्शन रीजन स्टेटमेंट वन, लेट अस रीड इट आउट। इफ वी ज्वाइन टू हेमिस्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेसिस, देन वी गेट अ स्फीयर। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। मेरे पास स्फीयर था, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये एक हेमिस्फीयर, एक ऐसा ही और हेमिस्फीयर अगर मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूं तो आई विल गेट बैक दिस। स्पेस तो मेरी जो स्टेटमेंट वन है वो कैसी हो गई है? वो हो गई है ट्रू। तो हम इसको अपने माइंड में या तो फिर पेपर पर लिख दें कि स्टेटमेंट वन इज ट्रू। नाउ लेट अस मूव टू सेकंड स्टेटमेंट। एन ओपन टैंक इज मेड ऑफ अ स्फीयर, मेड ऑफ अ शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। एक सिलेंडर है मेरे पास और इस सिलेंडर के एक एंड पर हमने ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया है। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ये मेरे पास एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर के एंड से, अब जैसे हमने पहले बात की कि क्यूब में से एक स्कूप ऑफ आइसक्रीम निकाल दिया, अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि इसके इस एंड पे या इस एंड पे से मैंने एक हेमिस्फीयर काट दिया। ये मेरे पास सिलेंडर, सिलेंडर में से ये हेमिस्फीयर काट दूं, थोड़ा सा इमेजिन करना कि ये अगर खुला है, मैं इसको ऐसे अंदर घुसा रही हूं। अंडरस्टूड? Yes. तो अब मुझे क्या बताना है, मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन, रेडियस इज गिवन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इज टू बी कैलकुलेटेड, दैट इज गिवन टू बी 3.3 मीटर स्क्वायर। अब मुझे चेक करना है क्या ये 3.3 मीटर स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका मतलब मुझे क्या करना रहेगा इसमें, पहले तो मुझे ये बताओ कि व्हाट डू आई नीड टू डू। मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या क्या यूज करना पड़ेगा? हाउ टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड? सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस से ऑफ हेमिस्फेयर। अब सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है बच्चों? टू पाई आर एच। और हेमिस्फेयर का सी एस ए क्या होता है? टू पाई आर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस में एक तो तरीका क्या है कि आप इसे इंडिविजुअली कैलकुलेट करो, ऐड करो, आंसर निकाल दो। बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट क्या करो, इनमें से जो कुछ कॉमन नजर आ रहा है उसको पहले ही बाहर कर लो। टू टेक आउट 2 पाई आर, आई एम लेफ्ट विद एच प्लस आर। वैल्यूज ऑफ एच एंड आर आर गिवन टू यू, बट अगेन बी केयरफुल। हाइट क्या दे रखी है मुझे? 1.45 मीटर्स, वाइल रेडियस इज गिवन टू बी 30 सेंटीमीटर। So, do I need to do something before going for the calculation? जब भी आप मेंसुरेशन का काम कर रहे हैं, बी वेरी वेरी अलर्ट अबाउट दी यूनिट्स। मुझे अपने यूनिट्स को यूनिफॉर्म करना है, सेम यूनिट्स में वर्क करना है। 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में होगा तो मेरी बात नहीं बनेगी। इधर यू कन्वर्ट इट इंटू सेंटीमीटर, कन्वर्ट दिस इंटू मीटर, वट एवर सूट्स यू। करो, फॉर्मूला में वैल्यूज डालो और देखो जरा क्या 3.3 मीटर स्क्वायर आंसर बन रहा है। आंसर 3.3 मीटर स्क्वायर बन रहा है। 2 पाई को लेते हैं हम 22/7, आर मेरा दिया है 30 सेंटीमीटर, एच को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं तो 145 और आर है 30। ये आंसर आया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में।
मैंने जानबूझ के सेंटीमीटर में कन्वर्जन किया क्योंकि अब मैं इस सेंटीमीटर स्क्वायर को आपसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करवाना चाहती हूं। बताओ जी क्या करूं? आई वॉन्ट यू टू कन्वर्ट द सेंटीमीटर स्क्वायर इन टू मीटर स्क्वायर बिकॉज माई आंसर इज इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर। आई कुड हैव टेकन कि मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो सीधा ही आंसर मीटर स्क्वायर में बन जाएगा, लेकिन मुझे आपसे कन्वर्जन करवानी है इसलिए मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। बोलो जी, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करूं? शुड आई डिवाइड इट बाय समथिंग और शुड आई मल्टीप्लाई इट विद समथिंग? हंड्रेड किससे डिवाइड करूं? 100 हंड्रेड इंटू 100, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले किया था कि 1 मीटर स्क्वायर इज 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे 1 सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, सो आई विल डिवाइड इट बाय 10^4। समझ में आई है ये बात? यस सो अब आपकी जो स्टेटमेंट 2 आई है वो क्या हो गई है? वो ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। इसका मतलब जो मेरे पास सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है वो तो मेरा आंसर बन ही नहीं सकता, क्योंकि सी और डी में क्या दिया था? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, और डी था स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। मेरे पास तो दोनों ही ट्रू हैं, मतलब सी और डी तो आंसर बन ही नहीं सकता। अब जरा ध्यान से सोचना और मुझे बताना कि आंसर ए बनेगा या बी बनेगा। ए में कह रहे थे कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और स्टेटमेंट 2 जो है वो एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। क्या यहां पर स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर रही है? स्टेटमेंट 1 में हम बात कर रहे थे हेमिस्फीयर और स्फीयर की, और सेकंड में हम हेमिस्फीयर की बात तो कर रहे हैं लेकिन हम क्या कह रहे हैं, सिलेंडर में से मैंने इस हेमिस्फीयर को काट दिया। क्या दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन मिल पा रहा है आपको? नो तो व्हाट माय आंसर शुड बी? स्टेटमेंट तो ये कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए बनेगा कि बी बनेगा? तो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू असर्शन रीजन क्वेश्चन। कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है, करा कुछ नहीं है उसमें। दो जो अलग अलग क्वेश्चन को एक ही में डाल दिया गया, दोनों क्वेश्चंस को इंडिविजुअली सॉल्व करो, वो सही हैं या गलत हैं वो देखो और उसके हिसाब से अपना आंसर डिसाइड कर लो। बस दिस इज द ओनली थिंग दैट वी आर डूइंग हियर। अब देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो असर्शन रीजन का। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ असर्शन रीजन। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब आर रीजॉइंड एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। द सर्फेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ जी क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? अच्छा सबसे पहले हम थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा कि मेरे पास 2 क्यूब्स हैं, एक क्यूब ये और इसी के साथ एक और क्यूब डिट्टो, ठीक है जी? ये कहा गया ना मुझे, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब। अगर दोनों की वॉल्यूम सेम है तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर क्यूब की वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो क्या मैं एज ऑफ क्यूब निकाल सकती हूँ? कितना आ जाएगा एज ऑफ क्यूब? 5 सेंटीमीटर, बिकॉज वॉल्यूम होती है एल क्यूब और 5 का क्यूब 125 है। इसका मतलब जो एज ऑफ क्यूब है वो 5 सेंटीमीटर है। मैंने क्या किया, एक 5 सेंटीमीटर दूसरे 5 सेंटीमीटर की क्यूब को ऐसे ज्वाइन कर दिया। सेम ऐसे ही मेरे पास दो हो, सपोज अभी के लिए सिर्फ सपोज करना कि ऐसा सेम है, इसको मैंने इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर दिया। जस्ट इमेजिन, ये है नहीं क्यूब बट जस्ट थिंक कि सेम ऐसी चीज को मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया है। तो अब जो ये मेरे पास रिजल्टिंग फिगर बनेगा, विल दैट बी अ क्यूब और विल दैट बिकम अ क्यूबॉइड? बाय
इस क्यूबॉइड की लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी और हाइट क्या होगी? एक इसकी 5 थी, ये भी 5 था, ये भी 5 था और ये भी 5 था। अब मैंने ऐसे दो चीजों को एक साथ इकट्ठा रख दिया है, तो अब जो मेरे पास रिजल्टिंग फिगर बन रहा है, उस क्यूबॉइड की लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी और हाइट क्या होगी? लेंथ एक ये, और इसी के साथ ऐसा 5 वाला और जुड़ गया, सो लेंथ कितनी हो गई? 10। क्या ब्रेथ में कोई फर्क आया? नहीं आया। ब्रेथ तो ऐसे यही रह रही है, ब्रेथ में तो कोई चेंज ही नहीं है। लेटर से मैं इसको यहां रख दूं तो मेरे पास ब्रेथ इज नॉट चेंजिंग, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दी हाइट? क्या हाइट में कुछ फर्क आया मेरी क्यूबॉइड के? हाइट इज ऑल्सो सेम, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। सेम इसके जैसे अगर मैं इसके साथ ऐसे जोड़ रही हूं, तो क्या चीज सिर्फ चेंज हो रही है? मेरी लेंथ चेंज हो रही है, ना तो ब्रेथ चेंज हो रही है, ना तो हाइट चेंज हो रही है। इसका मतलब जो मेरे पास क्यूबॉइड बना, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट क्या क्या है, बता सकते हो? दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। और मुझे क्या कहा गया है? सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड? टू टू एल प्लस प्लस एल चलिए जी, फिर फटाफट से वैल्यूज डालिए, कैलकुलेट करिए और देखिए क्या ये 250 सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। यस 2 × L × B हो गया 50, B × H हुआ 25 और H यस 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टेटमेंट 1 कैसी हो गई? ट्रू। टू मेरे पास जो स्टेटमेंट 1 है वो हो गई है ट्रू। अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 पर। इफ एन क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स आर जॉइंड एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 2 × 2n + 1a² स्क्वायर यूनिट्स। अब जनरली ऐसा होता है, जब तक हम नंबर्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, जहां हमारे पास वेरिएबल आ जाते हैं हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ऐसा होता है जहां ए बी सी पी क्यू आर आ जाते हैं, हमें लगता है पता नहीं क्या ही करवाई जा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया। बट घबराना नहीं होता चीजों को, सिर्फ सोचना है हमने। जैसे हमने नंबर्स के साथ सोचा, वैसे ही अब हम वेरिएबल के साथ सोच लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ना है। उसने क्या कहा? इफ एन क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम ए क्यूब। अब अगर एक क्यूब की वॉल्यूम ए क्यूब है तो उस क्यूब का एज कितना होगा? एट ये सेम चीज, यहां 125 था, 125 5 का क्यूब है, तो मैंने एल निकाल दिया था 5। अब मुझे वॉल्यूम जो दे रखी है वो ए क्यूब दे रखी है, तो अब मेरा एज हो गया 8। एट ऐसे कितने क्यूब्स मेरे को ज्वाइन करने को बोला जा रहा है? एंड एन क्यूब्स। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने कितने ज्वाइन किए थे? टू। अब मैं 2, 3, 4, 10, 20, 25 कितने भी ज्वाइन कर लूं, तो उसको नाम हमने कह दिया कि एन क्यूब्स ज्वाइन करेंगे। अब सोचो जरा, अगर आप एन क्यूब्स को ज्वाइन करोगे तो अब मेरी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कैसे चेंज होने वाली है? जब मैंने 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया तो मेरी लेंथ कैसे हो गई? डबल हो गई थी। Yes. अगर मैं 3 क्यूब्स को ज्वाइन करूंगी तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 3 टाइम्स हो जाएगी, 15 हो जाएगी। 4 को कर दूं तो 4 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं एन क्यूब्स को ज्वाइन करूंगी तो मेरी लेंथ कितनी हो जानी चाहिए? एन इंटू ए। ये बात समझ में आती है सभी को? Yes. 2 क्यूब्स को एक साथ रखा था तो एक इसकी और इसके साथ एक और लेंथ आ गई थी। 3 को रख दूंगी तो 3 की लेंथ एक साथ आ जाएगी। 4 को रखा तो 4 की आ गई, एन को रखा तो एन की आ गई। अब ब्रेथ और हाइट के बारे में क्या विचार है आपका? सेम सेम।
अब इसका टोटल सरफेस एरिया यही फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। देखो जी, अब हम यहाँ पर अगर टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो टू टाइम्स एल की जगह क्या है मेरे पास, एन इंटू ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस एन ए इंटू ए। सो दिस इज टू टाइम्स एन इंटू ए इंटू ए। क्या बनेगा पहले तो ये बताओ मुझे, एन इंटू ए स्क्वायर, फिर अगली टर्म आई ए स्क्वायर और अगली क्या आएगी? इस पूरी चीज में से क्या चीज कॉमन निकाल सकती हूँ पूरे ब्रैकेट में से? वेरी गुड, इसमें से ए स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो बाहर बन गया टू ए स्क्वायर और अंदर क्या बचा? एन यहां बचा एन, यहां भी कुछ बचा? नो जीरो तो नहीं बच गया ना। नो गुड, जो नंबर पड़ा है अगर वही बाहर आ जाता है तो वन बचता है जीरो नहीं बचता। ये बहुत बार गलती की जाती है तो आपने ये काम नहीं करना है। अब इस एन ए स्क्वायर में से भी ए स्क्वायर बाहर निकाला तो बच गया एन, टू तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया मेरे पास? एन प्लस एन, टू एन प्लस वन। तो मेरे पास जो टोटल सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन बन गया फाइनली, दैट इज टू ए स्क्वायर इंटू टू एन प्लस वन। क्या यही दे रखा है मुझे क्वेश्चन के अंदर? तो क्या ये स्टेटमेंट ये ट्रू हो गया? अब स्टेटमेंट वन ट्रू था, स्टेटमेंट टू भी ट्रू हो गया है, आंसर ए बनेगा कि बी बनेगा? ए क्योंकि ये सेकंड वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा है पहले पार्ट के कॉन्सेप्ट को। सो मेरा आंसर बनेगा ए आप वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर मुझे पहले वाला पार्ट इस फॉर्मूला को यूज करके निकालना हो तो मुझे ए की जगह क्या डालना है? हाँ जी, ए की जगह व्हाट एम आई सपोज टू पुट? फाइव और एन की जगह? टू एन की जगह टू। टू इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंप्लीफाई कर रही हूं तो मैं दो क्यूब्स को ज्वाइन कर रही हूं, इसका मतलब मैं एन को दो डालूंगी और ए को क्या डालूंगी? पांच। एंड आई शुड गेट 250 एज माई आंसर। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया आपको? एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर टिल वॉट एवर वी हैव डन। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? चलिए जी, अब इसमें है आपके पास एक असाइनमेंट, देखिए केस स्टडी प्रॉब्लम। केस स्टडी भी आपको इसी साल से या पिछले साल से भी खैर आ रहा है। केस स्टडी में भी एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न्ड कुछ फर्क नहीं है, जो आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन है उन्हीं को ही केस स्टडी बना दिया गया है। स्टेटमेंट देकर के उसके नीचे चार क्वेश्चन पांच क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। देखो जी, टाइम है हम पढ़ते हैं जी। द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया एंड एन इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। इट वॉज ओरिजिनली कमीशन बाय द एम्परर अशोका इन 3rd सेंचुरी BCE। इट्स न्यूक्लियस वॉज अ सिंपल हेमीस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर द रेलिक्स ऑफ बुद्धा। इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स, अ बिग हेमीस्फेरिकल डॉम विद अ क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर माउंटेड ऑन इट। कैन यू सी इट? एक हेमीस्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ये हेमीस्फेरिकल मेरा स्ट्रक्चर और इसके ऊपर मैंने एक क्यूबॉइड रखा है। ये क्यूबॉइड इसके हिसाब से बहुत बड़ा बेचारा बाहर जा रहा है, बट यू कैन इमेजिन एक छोटा क्यूबॉइड जो इसके ऊपर हम ऐसे रखते हैं। ठीक है जी, तो ये फिगर में आपको नजर भी आ रहा है कि आपके पास एक हेमीस्फेरिकल फिगर और उसके ऊपर एक क्यूबॉइड माउंट कर दिया गया। तो अगर मैं इसको, ये हेमीस्फेरिकल मेरा और इसके ऊपर जो आपको यहां से नजर आ रहा है
वो हमने एक क्यूबॉइड प्लेस कर दिया है। ये क्यूबॉइड हमने इसके ऊपर प्लेस कर दिया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में से पूछा गया है, द वॉल्यूम ऑफ द हमें हेमी स्फेरिकल डोम इफ हाइट ऑफ द डोम इज 21 मीटर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में भी है। अगर ये मेरे पास एक हेमी स्फेरिकल डोम है, इसकी हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर, उस हाइट का रेडियस के साथ कोई रिलेशन बैठता है? Yes. ये मेरी हाइट और ये ही क्या है मेरा? Yes. तो हाइट एंड रेडियस बोथ आर सेम इन दिस केस। Yes. तो मुझे यहां पर रेडियस दे रखा है 21 मीटर, और पूछा क्या गया है मेरे से? वॉल्यूम, हेमिसफियर की वॉल्यूम क्या होती है? सफियर की वॉल्यूम 4/3 πr³, और हेमिसफियर की हो जाएगी 2/3 πr³। आर की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, फॉर्मूले में डालेंगे, आंसर निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन में फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ एन 2/3 πr³, हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। फिर है द प्लास्टिक क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डॉम इफ रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर। मैंने सिर्फ क्या करना है, इस हेमिस्फेरिकल डोम को कवर करना है, इसके लिए आई वॉन्ट अ क्लॉथ। सो मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है अब इसका? कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर हेमिस्फीयर? आर की वैल्यू तुम्हारे पास है, डालोगे आंसर निकाल लोगे। अगला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड स्ट्रक्चर हेमिस्फेरिकल डोम विद रेडियस 14 मीटर एंड क्यूबॉइडल शेप्ड टॉप विद डायमेंशन 8 m/6 m/4 m। इसके ऊपर ही हमने रखा था। अब मेरे को क्या निकालना है? मुझे निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो बताओ जी क्या करेंगे? 2 πr² प्लस 2 πr² प्लस, अब क्या इसका भी टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा या इसमें कुछ ऊपर नीचे करना पड़ेगा मुझे? क्या मुझे इस क्यूबॉइड को जो मैंने रखा है इसके बेस का एरिया लेना पड़ेगा? ये बेस का एरिया मुझे कंसिडर नहीं करना, क्योंकि ये इसके ऊपर ऐसे रखा गया, तो ये दो सर्फेसेस तो अब मेरे को विजिबल ही नहीं है। मेरे को कौन से सर्फेसेस? इसके 6 सर्फेस और जो इसका बाकी बचा सर्फेस है, दैट इज देयर फॉर माय कर्व्ड सर्फेस एरिया। तो इसके साथ साथ अब मैं क्या करूंगी, मैं जो है एल बी एक बार लूंगी, ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एच एल। एल बी एच आपको दे रखा 8, 6 और 4, रेडियस दिया है 14, पुट एंड गेट योर आंसर। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल शेप्ड टॉप विद डायमेंशन मेंशन इन द क्यूब इन द अबव क्वेश्चन। वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट आपको दे रखा है डायरेक्टली 8 × 6 × 4, सो मिल जाएंगे आंसर्स, 192 मीटर। ठीक है जी। ये आज जो हमने किया, हमने थोड़े से बेसिक्स किए हैं, और बेसिक्स के बाद वी हैव सीन कि असम्पशन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस या केस स्टडी के क्वेश्चंस जो हैं उनको हमने कैसे डील करना। ठीक है जी, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू आस्क, एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू आउट ऑफ टूडेज लेक्चर? इफ यू आर नॉट आस्किंग एनीथिंग, आई एम सपोजिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।